नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आचार्य जागेंद्र मिश्रा चैनल पर। सावन के महीने में इसे घर लाना ना भूलना, जन्म जन्मांतर की गरीबी को मिटा देगा। दोस्तों, 2023 में सावन के अद्भुत संयोग हो रहे हैं, क्योंकि इस बार 2 महीने का सावन होगा और 8 सावन के सोमवार होंगे। पहला सोमवार 10 जुलाई से शुरू होते हुए 28 अगस्त तक सावन के सोमवार चलेंगे। ऐसे में सावन के महीने में आप सभी को यह एक दिव्य चीज़ अपने घर लेकर आनी है। यकीन मानिए, जीवन में आपके परिवर्तन आना ही है। यह एक विशेष चीज़ है, काफ़ी सस्ती है और सरल है। इस बार जो है अपने आप में दुर्लभ माना जा रहा है। 19 वर्षों बाद ऐसा दिव्य संयोग हो रहा है कि सावन के जो व्रत हैं वो अधिक हम सभी को प्राप्त हो रहे हैं। शिव भक्ति के लिए पूरे 2 महीने का समय मिल रहा है। अधिक मास, मल मास, पुरुषोत्तम मास आरंभ हो रहे हैं, जिस कारण से जो है यह विशेष जो है संयोग बन रहा है। इस दिव्य संयोग में आप सभी को विशेष तौर पर यह सरल से चीज़, दिव्य चीज़ घर लेकर आनी है। यकीन मानिए, रोग दोष कटेंगे। जीवन में जो साल भर में काम नहीं हुए, जो मनोकामना पूर्ण नहीं हुई, मात्र यह एक सरल से चीज़, इस उपाय से कर लेने मात्र से आपके जीवन में, इस चीज़ को घर लाने मात्र से जीवन में खुशियों से आपका भर जाएगा। आप सभी जानते होंगे इन दिनों जो है महादेव की सेवा आराधना के लिए यह दिन विशेष माने जाते हैं। इन दिन महादेव से संबंधित अन्य चीज़ें लाते हैं तो विशेष तौर पर बहुत ही लाभ होता है। जैसे कि हमारे जीवन में जो सुख दुख बने रहते हैं, तो सुख का आगमन होता है और दुख का नाश होता है, अगर ये चीज़ अपने घर पर लेकर आएँ। परंतु ये जो दिव्य चीज़ जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आप सभी जानते होंगे कि इसका सही प्रयोग अगर आप, यानी कि बहुत कम लोग जानते हैं, अगर आप इसे सावन के महीने में लेकर आएँ और अपने घर पर स्थापित कर दें, तो आपके घर में महादेव साक्षात वास करते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे ही आज चीज़ के बारे में बताऊंगा, जिनको अगर आप सावन के महीने में अपने घर पर स्थापित करते हैं तो निश्चित तौर पे आपकी गरीबी मिटेगी, और इन्हें लाकर पूजा पाठ जरूर करें। अगर धन आपके घर में, धन पेटी भी भर जाएगी, आपकी आलमारी पैसों से भर जाएगी, सदैव आपके घर में अन्न धन के भंडार भरे रहेंगे। इस वीडियो में विस्तार से बताऊँगा आज मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जो कि माता लक्ष्मी जी को तो आकर्षित करेंगे ही करेंगे, महादेव जी को आकर्षित करेंगे और पूरे साल जमकर पैसा आएगा। अगर आप चाहते हैं कि इसी प्रकार की अच्छी अच्छी जानकारी आपको सीखने को मिले, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। दोस्तों, सावन के महीने में सबसे पहले तो आप भगवान के शिवलिंग को जरूर लेकर आएँ, शिवलिंग को लेकर आए और पूजा स्थान पर अपने मंदिर पर स्थापित करें। इसे घर पर लेकर आने से महादेव शीघ्र से शीघ्र प्रसन्न होते हैं, और पूरे सावन के महीने में एक लोटा जल शिवलिंग पर जरूर अर्पित करें। तो महादेव का आप, यानी कि एक छोटा सा शिवलिंग लेकर आएं और अपने घर पे पूजा स्थान पर इसे स्थापित करें, बहुत ही शुभ माना जाता है, बहुत ही लाभकारी माना जाता है, महादेव से काफ़ी प्रसन्न हो जाते हैं। सावन के महीने में आप महादेव, भोलेनाथ, माता पार्वती और गणेश जी की बैठी हुई प्रतिमा या फोटो तस्वीर जरूर अपने घर लेकर आएं। इससे भी आपके घर में सुख समृद्धि बढ़ती है। महादेव की कृपा, माता पार्वती कृपा सदैव बरसती रहती है, पूरे सावन के महीना बरसती रहती है। अचानक धन मिल जाता है, कर्ज का भार उतर जाता है। अगर आप भगवान गणेश और माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ की तस्वीर लेकर आते हैं, एक ही साथ मुद्रा में, यानी बैठे हुए मुद्रा में होनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में सुख समृद्धि का वास हो, कुबेर जी का वास हो, माता लक्ष्मी का वास हो, महादेव स्वयं निवास करें, तो आपको बेल वृक्ष की जड़, जी हाँ, बड़े ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, सावन के महीने में बेल वृक्ष की जड़ जरूर आप अपने घर लेकर आएँ, ये काफ़ी शुभ माना जाता है। बेल वृक्ष की जड़ को आप अपने घर पर लेकर आएं और इसे एक सफ़ेद कपड़े में बांधकर और इसे पूजा स्थान पर रख दें, और फिर आप इसे पूजा स्थान पर रखने के बाद फिर इसे धन पेटी के पास रख दें।
यकीन मानिए चारों दिशाओं से पैसा खींचा चलाएगा। पैसा इतना आएगा कि संभाल नहीं पाओगे, पैसे गिनते गिनते थक जाओगे। दोस्तों, बेल वृक्ष की एक जड़ लेकर आएं सावन के किसी भी दिन, यानी कि सावन के महीने में, और आप लेकर आएं और भगवान भोलेनाथ की पूजा जहां करते हैं, जहां पर उनकी फोटो और तस्वीर वहीं पर रख दें, और एक सफ़ेद कपड़ा ले लें और इसमें सफ़ेद चंदन लगा दें इस बेल वृक्ष की जड़ पर, और फिर आप इसे ले जाकर अपने धन के स्थान पर रख दें तो सदैव धन बढ़ता चला जाता है, धन में बढ़ोतरी होती है। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में धन का आगमन बड़ी तेजी से हो, कर्ज का भार उतर जाए, अन्य धन के भंडार भरे रहें, तो आप केले के वृक्ष की जड़ जरूर लेकर आएं सावन के महीने में। केले के वृक्ष में भगवान विष्णु जी का वास होता है, और सावन के महीने में अगर आप माता लक्ष्मी जी भी वास करती हैं केले के वृक्ष की जड़ में, तो केले के वृक्ष की जड़ भी जरूर लेकर आएँ, ये काफ़ी अच्छा माना जाता है सावन के महीने में। केले के वृक्ष में स्वयं भगवान विष्णु जी वास करते हैं, माता लक्ष्मी जी वास करती हैं। दोस्तों, आंकड़े का जो पौधा होता है, आंकड़े के पौधे की जड़, इसमें भगवान स्वयं गणेश जी का वास होता है और महादेव जी का वास होता है। महादेव जी बहुत प्रसन्न होते हैं आंकड़े के पुष्प को अगर महादेव जी के शिवलिंग पर चढ़ाया जाए सावन के महीने में, और अगर आंकड़े का, जिसे आग कहते हैं, आंकड़े के जड़ अगर आप अपने घर लेकर आएँ और धन के स्थान पर रख दें या पूजा स्थान पर रख दें, तो चारों दिशाओं से पैसा खींचा चलाता है, गरीबी तत्काल मिट जाती है और जन्म जन्मांतर की गरीबी मिट जाती है। दोस्तों, अगर आप बेल का वृक्ष सावन के महीने में लेकर अपने घर पर स्थापित करते हैं तो काफ़ी शुभ माना जाता है, बहुत ही शुभ कार्य माना जाता है। और अगर चाहें तो सीताफल की जड़ को भी लेकर आएं, इससे भी बहुत शुभ माना जाता है। दोस्तों, सावन के महीने में रुद्राक्ष की माला जरूर लेकर आएं। रुद्राक्ष की माला नहीं है तो आप एक ही रुद्राक्ष की, कोई भी मुखी हो, एक मुखी, दो मुखी, पंचमुखी, छह मुखी, आप चाहे एक लेकर आएं या फिर पूरा माला लेकर आएं और भगवान शिव को समर्पित कर दें, तो घर में धन धान के भंडार तो भरे ही रहते हैं, महादेव की कृपा सदैव बरसती है। लेकिन जो हमने आपको बताया कि बेल वृक्ष की जड़ या केले की जड़ जरूर अपने घर पर स्थापित करें, इससे महादेव अतिशीघ्र प्रसन्न होते हैं, घर में सुख समृद्धि का वास होता है। सावन के महीने में आप धतूरे का फल जरूर लेकर आएं, शिवलिंग पर चढ़ा हुआ धतूरे का फल अगर लेकर आते हैं और इसे अपने पूजा स्थान पर या धन के स्थान पर रखते हैं, तो आप घर में स्वतः माता लक्ष्मी जी दौड़ी आएंगी, साथ ही महादेव नित्य निरंतर वास करेंगे और पूरे साल धन वैभव से आपका घर भर जाएगा। सावन के महीने में महादेव को प्रसन्न करने के लिए, साथ ही अपने घर से गरीबी को दूर करने के लिए, आपको क्या करना है कि केले की जड़ और बेल वृक्ष की जड़ और आंकड़े की जड़, इन तीनों जड़ को मिलाकर आपको एक सफ़ेद कपड़े में बांध लेना है और फिर आप इसे धन के स्थान पर रख दें। और दोस्तों, धन के स्थान पर रखने के बाद फिर महादेव जी से प्रार्थना करें, अपनी मनोकामना बोलें, तो आपके घर में धन धान के भंडार सदैव भरे रहेंगे। साथ ही सावन के महीने में डमरू लेकर आएं, जो महादेव की सबसे प्रिय वस्तु है, त्रिशूल है, इसे भी घर लेकर आएं और अपने घर पर विराजमान कर दें पूजा स्थान पर। डमरू लेकर आएं तो इससे घर में नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं, सदैव सकारात्मक ऊर्जा का इनकी संचार बना रहता है। साथ ही भस्म लेकर जरूर आएँ, सावन के महीने में भस्म लेकर आएँ और भस्म को आप पूजा स्थान पर रख दें तो महादेव की कृपा सदैव बरसती रहती है। तो आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, यानी कि बेल वृक्ष की जड़ और केले की जड़, आंकड़े की जड़ जरूर अपने घर लेकर आएं, धन से आपका घर सदैव भर जाएगा, महादेव की कृपा बरसेगी, कभी भी घर में गरीबी नहीं आएगी, धन वैभव और यश कीर्ति आपकी बढ़ती चली जाएगी, चारों दिशाओं से आपका मान सम्मान बढ़ता चला जाएगा। तो दोस्तों, आशा करते हैं ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी, इस वीडियो को आप लाइक करिएगा, दोस्तों के बीच आपको अधिक से अधिक इसे शेयर कर दीजिएगा, कमेंट में लिखिएगा हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, जय शिव शंभु, ओम नमः शिवाय।